दोस्तों आज की वीडियो में आप सब लोगों के साथ मैं बात करने वाला हूँ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के बारे में। दोस्तों बड़ी से बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो या फिर छोटी से छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए उसको साइट्स चाहिए होते हैं और साइट के ऊपर एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है। ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, ये आदमी क्या होता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, और फार्मेसी में आए हो ना तो सीख के सारी चीज़ें रहो, चाहे पता कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर काम आए। और मैं आपको एक क्लिनिकल ट्रायल्स के ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जो आप कहीं पे भी नहीं सुनोगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों क्लिनिकल ट्रायल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कौन से भी ड्रग को मार्केट में आने से पहले। और क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात की है, तो आप चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हो उन वीडियोस को। लेकिन मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के बारे में। दोस्तों एक सिंपल सी बात मैं आपको टोटल फ्लो चार्ट में बता देता हूँ। देखो यार क्या होता है कि कौन सी भी कंपनी अपनी क्लिनिकल ट्रायल्स जब चलाने लगती है या फिर अपना ड्रग मार्केट में लाना चाहती है, तो क्लिनिकल ट्रायल्स उसको बहुत सारे फेजेस में करने होता है, फेज 1, 2, 3, 4। ऐसे केस में कुछ फेजेस में सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी सारे फेजेस में ही सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन अमाउंट अलग अलग होती है। अभी सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इन द सेंस हम आप जैसे लोग होते हैं जो आम लोग इस क्लिनिकल ट्रायल्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो कंपनी ने ड्रग बनाया है उस ड्रग को कंज्यूम करते हैं, उसके इफेक्ट्स, उसके रिपोर्ट सारे कुछ कंपनी निकालती है, और फाइनली ये सारा बड़ा सा बड़ा एक डॉक्यूमेंट बनता है और वो जाता है FDA के पास, और FDA उसको अगर अप्रूव करती है तो मार्केट में वो ड्रग आता है। अभी मैं जहाँ पे काम करता हूँ या करेंटली, तो ऐसी चीज़ है कि बड़े से बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं आते, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आती है। मैं जहाँ पे काम करता हूँ ETMF में, जहाँ पे कंप्यूटर बेस के ऊपर सॉफ्टवेयर पे सारे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है, लेकिन पुराने ज़माने में किया करते थे वो टोटल पेपर वाला सबमिशन। अभी क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी अपनी क्लिनिकल ट्रायल्स में ड्रग लाना चाहते हैं तो उसको सब्जेक्ट हॉस्पिटल के थ्रू मिलती है, यानी हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होती है, चाहे आप मुंबई का एक बड़ा सा हॉस्पिटल ले लो या फिर बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जितने भी सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप किसी डॉक्टर से भी पूछ सकते हो कि क्लिनिकल ट्रायल्स चलते हैं वहाँ पे, बहुत सारी स्टडीज़ होती है। क्लिनिकल ट्रायल्स को मेडिकल टर्म में स्टडीज़ बोला जाता है, चाहे वो छोटा भी ड्रग क्यों ना, उसको ही स्टडी बोला जाता है, उन स्टडीज़ को नंबर दिया जाता है। इस वजह से क्या होता है कि सारे कुछ कौन कौन से ड्रग है, कौन से ड्रग के ऊपर स्टडीज चल रही है, सब कुछ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल के थ्रू आता है तो उस पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए वहाँ पे कोई ना कोई चाहिए, तो जो उस पेशेंट के रिपोर्ट देखे, अगर वो पेशेंट कोई सीरियस कंडीशन में जाता है तो उस पेशेंट को हैंडल करे, मॉनिटर करे। अभी इन सारी चीज़ों को जो आदमी वहाँ पे हॉस्पिटल में काम करता है उसको प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बोला जाता है। वो एक डॉक्टर ही होता है जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का रोल निभाता है। स्पेशली ये बहुत एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होती है, MD MBBS टाइप के डॉक्टर्स होते हैं। कंट्री टू कंट्री क्वालिफिकेशन चेंज हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं। अभी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसके अंडर कुछ सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, यानी कंपनी ऐसा बोलती है कि 10 सब्जेक्ट्स है उनको आपको मॉनिटर करना है, उसके बदले में आपको सैलरी कंपनीज की तरफ मिलेगी, कंपनी की तरफ पैसे भी मिलेंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स की बहुत तगड़े पैसे हॉस्पिटल्स को मिलते हैं। सच बात बोलूँ तो क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत पैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अपना बहुत दम लगाती है, क्योंकि नया प्रोडक्ट जब आता है ना तो कंपनी का बहुत मल्टीपल टाइम्स उसका फ़ायदा होता है। इसलिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है उसकी सैलरी तो अच्छी होती है, उसके साथ उसका क्वालिफिकेशन भी अच्छा होता है और उसका इंपॉर्टेंस भी बहुत बड़ा होता है। अभी एज अ फार्मासिस्ट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि क्या पता प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर अगर डॉक्टर भी हो क्यों ना हो, लेकिन अगर आप क्लिनिकल ट्रायल्स फेज में क्लिनिकल ट्रायल्स फील्ड में आते हो तो आपको इस पोस्ट के बारे में बहुत पता होना चाहिए। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है, सब इन्वेस्टिगेटर होता है, और उसके रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट होते हैं जिसके बारे में मैं शायद ट्राई करूंगा, लेकिन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर आज की वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता था। वीडियो एंड करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो विशाल वाबेला इस इंस्टाग्राम के ऊपर यूजर नेम फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपके सवाल का जवाब मैं देने का ट्राई करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये बड़ा धन्यवाद। We'll be right back.